वहीं आपको बताएं, सीएम अशोक गहलोत ने प्रदेश में लॉकडाउन लगाने के संकेत दिए हैं। सीएम ने ट्वीट करके लिखा है, मैं राहुल गांधी जी के लॉकडाउन लगाने के बयान का पूरी तरह से समर्थन करता हूं। देश में राष्ट्रीय लॉकडाउन एकमात्र विकल्प बचा है। एक साल से अधिक समय से हमारे डॉक्टर्स, चिकित्सा कर्मचारी राष्ट्र के लिए अत्यधिक कार्यभार के तहत प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने उनमें से कई को खो दिया है। दूसरी लहर हमें लगातार परेशान कर रही है। विशेषज्ञों और डॉक्टरों का मानना है, जितनी भी तैयारी करें वो पर्याप्त नहीं है। हम पहले से ही ऑक्सीजन, दवाओं और अन्य उपकरणों की कमी का सामना कर रहे हैं। जल्द ही हमें मेडिकल स्टाफ की कमी का भी सामना करना पड़ सकता है। गरीब लोगों, प्रवासी कामगारों और आम लोगों के लिए कठिनाइयों और दुखों से बचने के लिए, जैसा हमने पिछले साल देखा था, अच्छी तरह से योजनाबद्ध लॉकडाउन वायरस की श्रृंखला को तोड़ने में मददगार हो सकता है और देश को बेहतर तैयार होने में मदद कर सकता है। तो मायने काफी ज्यादा है, लॉकडाउन के एक तरह से संकेत है। और खुद अगर सूबे के मुखिया ये ट्वीट कर रहे हैं तो आप समझ सकते हैं इस ट्वीट के मायने, क्योंकि ठीक कल ही राहुल गांधी का बयान सामने आया था। राहुल गांधी ने क्लियरली ये कहा था कि लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प और है नहीं केंद्र सरकार के पास कोरोना को खत्म करने के लिए, और ऐसे में अब उसी बयान का समर्थन करते हुए सीएम अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं। और जो ट्वीट उन्होंने किया उसमें कई सारे संकेत हैं। देखना यह होगा कि किस तरीके से अब राजस्थान इस पूरी लड़ाई को लड़ता है, क्योंकि जिस तरह के संदेश आ रहे हैं मुख्यमंत्री के, उससे काफी कुछ क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है। वहीं कोरोना को लेकर सख्ती का आज होगा फैसला। आज शाम 7:30 बजे रखी गई है मंत्रिपरिषद की बैठक, सीएमआर में रखी गई है मंत्रिपरिषद की बैठक। ये बड़ी खबर, लगभग 7:30 बजे का वो वक्त जब मंत्रिपरिषद की बैठक होगी और बड़ा फैसला हो सकता है, नई गाइडलाइंस सामने आ सकती है और कुछ सख्तियों के साथ अब यहां पर काम होंगे, क्योंकि कोरोना के मामले में कमी जरूर आई है पिछले 2-3 दिनों में। अगर आप देखें, 2 मई को 18,000 के करीब मामले आए थे, उसके बाद 17,000, फिर 16,000 भी मामले आए हैं पिछले 24 घंटे में। ठीक भी 17,000 से ज्यादा लोग हुए हैं, लेकिन मामलों में कमी उस हिसाब से नहीं देखी गई है, इसलिए बड़ा फैसला लिया जा सकता है। और चलिए, इन तमाम खबरों को लेकर आखिर आज मंत्रिपरिषद की बैठक में क्या होगा, किस तरीके से हम मुख्यमंत्री के इस जो ट्वीट उन्होंने किया है उसको देखें, इन तमाम खबरों पर जानकारी के साथ सुशांत पारिक हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए हमारे साथ। सुशांत, एक तरफ 5 मंत्रियों का पैनल बना है, वो 5 मंत्री अपनी रिपोर्ट देंगे, शाम 7:30 बजे महत्वपूर्ण बैठक रखी गई है, और सबसे इंपॉर्टेंट हमने अपने दर्शकों को दिखाया मुख्यमंत्री का वो ट्वीट जो काफी कुछ इशारा कर रहा है। सुशांत, देखिए खुशबू, अब लगभग ये तय है कि राजस्थान सरकार बड़ा फैसला करने वाली है, और सीएम का ये ट्वीट इस ओर इशारा कर रहा है कि अब प्रदेश में लॉकडाउन के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। और जिस तरह की भाषा सीएम ने उपयोग में ली है, राहुल गांधी के बयान का समर्थन किया है, और अशोक गहलोत इस बात की भी वकालत करते हुए नजर आ रहे हैं कि केवल राजस्थान नहीं बल्कि देश भर में इस तरह की लॉकडाउन की आवश्यकता है। हालांकि उन्होंने ये मेंशन जरूर किया है कि तीसरी लहर का सामना देश को करना पड़ सकता है, चिकित्सक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नर्सिंग स्टाफ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन इसी तरीके से अगर आंकड़े बढ़ते गए तो शायद हमें मेडिकल स्टाफ की, डॉक्टर्स की कमी का सामना करना पड़ेगा। लेकिन लॉकडाउन किस तरह का हो, क्या व्यवस्थाएं हो, खासतौर पे वो जो रोजाना कमाता है, रोजाना खाता है, वो आदमी जो मजदूर है, उनका पलायन नहीं हो, इसी वजह से कल शाम को जब बैठक हुई थी तो 5 सदस्यीय मंत्रिमंडल समूह का गठन किया गया था। हमारी कई मंत्रियों से बात हुई है, वो लगातार आज सुबह एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, अपने विभागों के अधिकारियों से बात कर रहे हैं, ऑलमोस्ट एक रिपोर्ट कार्ड जो है वो तैयार हो गया है। शाम को 6 बजे मुख्यमंत्री से ये मुलाकात करेंगे, और उनको वीसी के जरिए, मुलाकात तो नहीं हो पाएगी, वीसी के जरिए उनको ये समझाएंगे कि क्या क्या ऐसे कदम जो लॉकडाउन अगर लगता है तो उसके उठाए जाने चाहिए। शाम को 7:30 बजे फिर से एक बार सीएम चर्चा करेंगे, सभी मंत्रियों से मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है, और इस बात की पूरी पूरी संभावना कि लंबी अवधि के लिए ना सही लेकिन एक छोटी अवधि के लिए राजस्थान में संपूर्ण लॉकडाउन जैसी स्थिति बन सकती है, क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है कोरोना की चेन को तोड़ने का, इसे ब्रेक करने का। अगर इसी तर्ज पर इसी संख्या में आंकड़े लगातार आते रहे खुशबू, तो शायद अस्पतालों में इन मरीजों को संभालना सरकार के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और सुशांत शायद यही वजह है कि मुख्यमंत्री इन तमाम स्थितियों को भांप रहे हैं। हमने ये देखा था कि 2 मई को लगभग 18,000 के करीब मामले आए, हालांकि उसके बाद मामलों में कमी आई है। एक अच्छी बात यह भी रही कि 17,000 के करीब लोग रिकवर भी हुए हैं पिछले 24 घंटे में। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि जो ये महामारी रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा नाम दिया गया इसको, इसकी गंभीरता को लोग शायद उतना समझे नहीं सुशांत, इसलिए शायद अब इसको बदलकर लॉकडाउन ही किया जाएगा,
ताकि जो लोग हैं इसकी गंभीरता को समझे, और अगर लोग समझेंगे तभी जाकर कोरोना के मामलों पर थोड़ा ब्रेक लग पाएगा और सरकार को भी थोड़ा समय मिल पाए शायद तमाम व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने में। आप बिल्कुल सही कह रही हैं खुशबू, क्योंकि कल पहला ऐसा दिन था जब जो रिकवर होने वाले लोग थे और उनकी पॉजिटिव केसेस की संख्या ज्यादा थी, ये एक अच्छा साइन जरूर था। लेकिन आपने सही कहा कि जन अनुशासन पखवाड़ा जो नाम दिया गया, संभवतः नागरिक इसकी गंभीरता को नहीं समझ पाए, वो नहीं समझ पाए कि कर्फ्यू है और कर्फ्यू में अगर आप बाहर निकलेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन हो सकता है, कार्रवाई हो सकती है। एक बड़ी चिंता जो सरकार के लिए अभी खुशबू बनी हुई है वो ये है कि आने वाले समय में बड़ी तादाद में शादियां राजस्थान में होने वाली हैं, और हमने कई तस्वीरें ऐसी देखी हैं जहां बड़ी संख्या में, हालांकि 31 लोग सरकार ने अनुमति किए हैं, लेकिन उसके बावजूद बड़ी तादाद में लोग शादियों में पहुंच रहे हैं, शिरकत कर रहे हैं। और खास तौर पे अब चिंताजनक स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में हो गई है जहां लगातार कोरोना अपने पैर पसार रहा है। तो केवल जन अनुशासन पखवाड़े से, लोगों से अपील करने से, लोगों से सहयोग की मांग करने से अब कोरोना पर अंकुश नहीं लगेगा, ये बात सरकार अब समझ चुकी है। सरकार को लगता है कि पुलिस प्रशासन को डंडा उठाना पड़ेगा, लोगों को अगर नियमों की पालना नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। यही एक तरीका राजस्थान में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए बचा है। और हम बात आज कर रहे हैं, विशेषज्ञ ये बात सीएम से 20 दिन पहले कह चुके हैं, जब शुरुआत में कर्फ्यू की स्थिति बनी थी तभी एक्सपर्ट ने कहा था कि आप कर्फ्यू की जगह लॉकडाउन लगाइए, लेकिन सीएम का मानना था कि प्रवासियों का पलायन, मजदूरों का पलायन हो सकता है, इसके अलावा बड़ी संकट में जो लोग हैं उनकी आजीविका जो है वो खतरे में पड़ सकती है। लेकिन सरकार अब ऐसे कदम साथ में उठा रही है जिससे लोगों को राशन की व्यवस्था हो, हालांकि जो लॉकडाउन की गाइडलाइन जारी होगी खुशबू उसमें जो आवश्यक सेवाएं हैं उनको तो मुक्त रखा जाएगा, मेडिकल जैसी सेवाएं हैं या दूसरी तमाम चीजें जो जरूरी हैं, लेकिन लोगों को खाद्य सामग्री मिले, लोगों को भूखों मरने की नौबत नहीं आए, ये भी व्यवस्था सरकार की ओर से की जाएगी। सुशांत, एक चीज आपने बिल्कुल सही कही है, हमने ये देखा है कि पिछले कुछ समय से चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या फिर कोविड मैनेजमेंट टीम हो, चाहे रणदीप गुलेरिया हो या फिर राहुल गांधी का भी अगर जिक्र कर ले हम, सबने ये कहीं ना कहीं माना है कि लॉकडाउन के अलावा शायद कोई विकल्प है नहीं, कुछ दिन का लॉकडाउन लगे तो शायद तमाम चीजें थोड़ी बेहतर हो पाए, जो कोरोना का पीक आने वाला है उस वक्त में शायद हम बच पाए। ऐसे में जो 5 मंत्रियों का समूह बना है सुशांत, उसमें से खबरें ये आई थी कि 2 मंत्री पक्ष में है जबकि 3 मंत्रियों को थोड़ा कंफ्यूजन है, किन बातों पर पेच अटक रहा है, किन बातों पर सवाल खड़े हो सकते हैं? देखिए कल जो कैबिनेट की बैठक हुई उसके बाद मंत्रिपरिषद के सीएम ने सभी से पूछा था कि क्या कदम उठाने चाहिए, क्या लॉकडाउन लगा दिया जाए, उसमें सभी ने एक स्वर में ये तो कहा था कि सख्त कदम उठाए जाएं, सरकार को अब जो और अधिक पाबंदियां कड़ी करनी चाहिए, विवाह समारोह पे रोक लगे, ट्रांसपोर्ट पे रोक लगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको लगता था कि अगर पूरी तरीके से पाबंदियां लगा दी जाएंगी, मान लीजिए कि ठेले वाले को आपने रोक दिया तो उसका जीवन कैसे होगा, जीवन यापन कैसे होगा। तो कुछ मंत्री ऐसे थे, समूह में भी जो गठन किया गया उसमें वरिष्ठ मंत्री शामिल किए गए हैं, सभी की राय एक जैसी हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन और सीएम चाहते हैं कि सुझाव हो, खासतौर पर एक्सपर्ट से बातचीत करके एक रोड मैप बने। और कल ही सीएम ने गृह विभाग को भी कह दिया है कि नई गाइडलाइन अगर तैयार की जाए तो कौन कौन से ऐसे पहलू हो जिनमें मानवीय दृष्टिकोण बेहद जरूरी है, लोगों का जीवन यापन बेहद जरूरी है, तो वो तमाम पहलू, तमाम चीजें शामिल की जाएंगी। मंत्रियों का ओवरऑल जो एक रिव्यू होगा वो सीएम को दिया जाएगा, सभी मंत्री अपने सुझाव देंगे, एक्सपर्ट की बात रखेंगे, उसके बाद सीएम फैसला करेंगे। लेकिन राहुल गांधी के कहने के बाद में ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना मन बना चुके हैं, जिस तरीके से ट्वीट उन्होंने किया, हालांकि राहुल गांधी जो थे खुशबू अगर आपको याद हो कि जिन्होंने कहा था कि पिछली बार लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं थी, तब हालात अलग तरह के थे, अब वाकई लॉकडाउन एक आखिरी विकल्प बचा है और ये बात पीएम भी कह चुके हैं। बिल्कुल सुशांत, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो निश्चित तौर पर देखिए 7:30 बजे का वो वक्त है जो तय किया गया, और 7:30 बजे कोई बड़ी खबर आ सकती है और हो सकता है कि राजस्थान में लॉकडाउन लगे, लगातार नजर बनी हुई है, देखते रहिए जी राजस्थान। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।